काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं वो हम वीडियो में पिछले में देख चुके हैं, हम उनकी कार्डिनलिटी पर भी बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, हाउ डू दे बिहेव। शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पहले देखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। हमने पढ़ा है काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट होनी चाहिए। सीधी सी बात है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकें, उसको काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल जो बाकी सब बच गया, नीदर इट इज फाइनाइट नोर इट इज काउंटेबल इनफाइनाइट, है तो कुछ और ही है। अनकाउंटेबल वी कांट काउंट, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। इजी स्टफ। नेक्स्ट हमने इसकी कार्डिनलिटी की बात की, जो नेचुरल नंबर्स हैं, फिर जो काउंटेबली इन नंबर्स हैं, या फिर मैं कहूँगा काउंटेबली इनफाइनाइट है जो, उनकी कार्डिनलिटी को हम एल नोट से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और जो अनकाउंटेबल सेंस है उनकी कार्डिनलिटी को हम कंटिन्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने रिलेशन देखा था 2 to the power n जो है दैट इज इक्वल्स टू द कंटिन्यूम। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हम लोगों ने बात की थी, अगर आपको याद होगा, दैट एल्प नॉट इज द ग्रेटेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सेट। ठीक है, हम चीज ने हमने पढ़ी थी। तो अब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब कि इफ देर इज अ सेट हुज कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू एल्प नॉट, उससे कोई भी छोटी कार्डिनलिटी का सेट है तो इट विल बी काउंटेबल, है ना, क्योंकि हाईएस्ट ही हो गई। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि दैट सी और द कॉन्टिनम सी इक्वल्स टू 2 to the power एल्प नॉट, दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, तो अब ये स्मॉलेस्ट है यानी कि इससे बड़ी कोई भी कार्डिनलिटी होगी वी विल कॉल इट अ अनकाउंटेबल। सेम बात यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी 2 to the power एल्प नोट या फिर सी से ग्रेटर देन इक्वल टू है, देन दैट सेट विल बी अनकाउंटेबल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। यानी कि आपके पास कोई सेट है, ठीक है, काउंटेबल है, उसकी आपने यूनियन करनी है बहुत सारे काउंटेबल सेट्स की, आई कहां से 1 से लेके आपका जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट इट इज काउंटेबल, है ना, काउंटेबल यूनियन है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी काउंटेबल। इतनी बात हो गई, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये दोनों पेयर में है, इनको इकट्ठे याद कीजिएगा, दोनों को ध्यान रखिएगा। फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, आप कोई भी काउंटेबल सेट लेंगे उसकी आप सबसेट लीजिए, कौन से जो फाइनाइट सबसेट हो उनको जब आप लेंगे तो देन दैट यू विल गेट ऑलवेज, यू विल ऑलवेज गेट अ काउंटेबल सेट। लेकिन अगर आप यहीं पर इनफाइनाइट जो सबसेट से जब उनको कलेक्ट करेंगे एक जगह पर, तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अनकाउंटेबल। ठीक है, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सबसेट्स काउंटेबल, इनफाइनाइट सबसेट्स अनकाउंटेबल। ऐसे ही ना क्वेश्चन में ऑप्शन में सीधी स्टेटमेंट आती है, तो अगर हमको पता होगा हम टिक कर देंगे, फिर वहां सोचने समझने वाली बात नहीं रह जाती। आगे कह रहे हैं फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था पिछली क्लास में भी, एल्प नोट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन टाइम्स मीन्स इट इज फाइनाइट, देन इट विल अगेन बी काउंटेबल। ठीक है, इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स में बिकम अनकाउंटेबल। आप जो काउंटेबल सेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल, इस वो केस पर डिपेंड करता है कि आपका जो काउंटेबल सेट है वो कैसा है। ठीक है, आगे देर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम काउंटेबल सेट टू अनकाउंटेबल सेट। अब देखिए मैथमेटिक्स क्यूमुलेटिव नॉलेज है, आपने अगर फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी और काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली दोनों वीडियो देखी होगी तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। रियल एनालिसिस की पूरी सीरीज है तो शुरू से देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं कर देता हूं कि वो कह रहे हैं देर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम काउंटेबल सेट टू अनकाउंटेबल, मींस इफ आई मेक अ फंक्शन सच दैट एल्प नोट से मैं एक सेट दूसरा है सी पर कर रहा हूं, है ना, ये मैं उसकी कार्डिनलिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए एल्प नोट जो है दैट विल बी लेस देन सी, और हम जानते हैं कि जब भी डोमेन की कार्डिनलिटी छोटी होगी कोडोमेन से, देयर डोंट एग्जिस्ट, देयर कांट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन। अब क्यों नहीं कर सकता, हमने पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, प्लीज वहां से देखिएगा। अगले पॉइंट ये हो गया, दूसरा कह रहे हैं
देर इज नो वन वन फंक्शन फ्रॉम अनकाउंटेबल सेट टू काउंटेबल. सेम बात आएगी कि अगर आपके पास में एक फंक्शन है जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेट्स नहीं है, मैं कार्डिनलिटी लिख रहा हूँ, कंसेप्ट समझिएगा. दिस रिप्रेजेंट्स अनकाउंटेबल सेट, दिस रिप्रेजेंट्स काउंटेबल सेट. तो आप कोई भी वहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज सी इज ग्रेटर देन एल्प नॉट. और हमने पढ़ा है कि जब भी जो डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन को डोमेन, जो डोमेन है ग्रेटर देन को डोमेन है, तो क्या होगा? देर कांट एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शन. क्यों नहीं हो सकता, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया. अब कुछ खास तरह के काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स की हम बात करेंगे. एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज काउंटेबल, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल. पता होगा आप टिक लगाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगाएंगे. ठीक है, काउंटेबल सेट्स की बात करते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, खुद के काउंटेबल सेट के देखना क्या है, इट शुड बी एनी सेट शुड बी सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम काउंटेबल सेट कहेंगे. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स काउंटेबल सेट. इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाई दे आर काउंटेबल पिछली काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली वीडियो में हमारी. उसके बाद एमपीटी सेट जो है, सिंगलटन इंटरवल्स, एमपीटी और सिंगलटन इंटरवल्स. इंटरवल्स क्या होते हैं, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे. सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर आप कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, इनके बीच के सारे पॉइंट्स मैंने अगर ले लिए तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरवल कहते हैं. वो अलग अलग तरह के होते हैं कि हम बॉर्डर पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको अलग अलग. अब इसमें अगर आप एक एमपीटी सेट लेते हैं, इंटरवल लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट विल बी काउंटेबल. या फिर एक सिंगलटन इंटरवल ले रहे हैं, सिंगलटन इंटरवल कहते हैं ऐसे ए से शुरू हुआ ए पे खत्म हुआ, जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, मींस द सिंगलटन इंटरवल्स, दे विल बी काउंटेबल. आगे ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर अगेन जो है काउंटेबल. जब सारे रेशनल नंबर्स काउंटेबल हैं तो उसमें से पॉजिटिव वाले होंगे तो और थोड़े रह गए तो वो भी काउंटेबल होंगे. अब देखिए यहाँ पर आप इससे जब इसमें आएंगे, अभी हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ये देखिए ए सेट उस कार्डिनलिटी इज लेस देन एल्प नॉट विल बी काउंटेबल, है ना. तो यहाँ पर जो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसकी कार्डिनलिटी तो छोटी होगी ना, सारे रेशनल नंबर से कुछ कम होने, कम एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनलिटी सेम है पर कुछ कम एलिमेंट्स होंगे, कुछ निकाल दिया आपने तो आपके पास सेम ही चीजें रहेंगे ना, ऐसा कुछ. आगे नाउ ये अगेन क्वेश्चन में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, इसको देख लीजिएगा. सेट ऑफ ऑल सर्कल्स विद सेंटर एंड रेडियस इज रेशनल नंबर. अब ऐसा क्यों होता है, देखिए देख लेते हैं. किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एच कोमा के होना चाहिए और आपके पास में एक रेडियस होनी चाहिए. अगर आपके पास, यानी कि यहाँ पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, रेशनल नंबर से आ रहा है तो यानी कि यहाँ पर आपके पास एल्प नॉट पॉसिबल वैल्यूज है ना. नेचुरल नंबर से कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर से यहाँ पर भी एल्प नॉट पॉसिबल वैल्यूज है, रेडियस के लिए भी आपके पास एल्प नॉट पॉसिबल वैल्यूज है. तो अगर मैं ऑल पॉसिबिलिटीज देखूँ कि एच के और आर की सारी पॉसिबल वैल्यूज लगाने के बाद मेरे पास कितने तरह के सर्कल्स बन सकते हैं, इट मीन्स एक्चुअली आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ देम. और हमने देखा है कि फाइनाइट मल्टीप्लीकेशन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अगेन काउंटेबल, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दिस. ऐसे थोड़ा सा समझेंगे. सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक नंबर्स इज काउंटेबल. एल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं अभी आगे बताऊंगा. आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज काउंटेबल. आपने सेट लिया, उसमें छोटे छोटे इंटरवल्स बना दिए, ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल. डिसजॉइंट है मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और है ना आर्बिट्री, जितने आपके मन करे उतने ले लो. दिस विल ऑल्सो बी काउंटेबल. इसका पूरा प्रूफ होता है इस थ्योरम का, लेकिन हमें प्रूफ में नहीं जाना, हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें वो क्लियर होना चाहिए. इसको याद रखेंगे पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स है सबको नोट डाउन कर ले, पीडीएफ मिल जाएगा फिर भी अपने नोट्स पढ़ाएं. अब कुछ खास अनकाउंटेबल सेट्स की बात करते हैं जो हमें पता होने चाहिए. रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल. उसके बाद में नॉन एम्पिटी, नॉन सिंगलटन. अभी पीछे हमने क्या कहा था कि जो एम्पिटी, यहाँ पर देखिए जो एम्पिटी और सिंगलटन इंटरवल्स हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो नॉन एम्पिटी और नॉन सिंगलटन इंटरवल्स होते हैं दे आर अनकाउंटेबल. देखिए कई तरह के इंटरवल्स हो सकते हैं, इन सब को हम एक स्पेशल वीडियो इंटरवल पर बनाएंगे, तब आपको आराम से समझाएंगे. ठीक है, अब सेट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स इज अनकाउंटेबल. पीछे मैंने एल्जेब्रिक बताया था नंबर्स, और अब बता रहे हैं ट्रांसेंडेंटल. नेक्स्ट वीडियो कुछ इसी पर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, क्या कंसेप्ट होता है. अब ध्यान रखिए कि एल्जेब्रिक वाले काउंटेबल होते हैं और ये वाले अनकाउंटेबल होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स. आगे देखिए मजेदार क्वेश्चन है, पी वाई क्यू से मैंने ये पॉइंट्स उठाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसके ऑप्शंस में से उठाया है. देखिए हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास
फंक्शन पढ़ रहा है ए टू बी, ठीक है, तो उसकी कितने फंक्शंस बन सकते हैं ए से बी में. तो हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस विल बी कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने सेट क्या लिया, उसके अंदर वो फंक्शंस आएंगे विच आर मेकिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए कोमा बी. अब इसकी क्या कितने फंक्शंस आ सकते हैं, तो दो कोडोमेन में एलिमेंट्स है, दो डोमेन में है एन. इस फॉर्मूला से मैंने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाला ये. अब आप मुझे बताइए, ये जो है टू टू द पावर एल नॉट अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है. अगर आप कोई बेसिक सी स्टेटमेंट पढ़ा थी तो आप इस ऑप्शन को तुरंत से टिक कर पाएंगे. ठीक है, आगे देखिए, ऐसे फंक्शंस जिसमें दो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाना है, तो कितने फंक्शंस बन सकते हैं, इज आज के ना ऑल फंक्शंस एल्प नोट टू द पावर एल्प नोट. अब बताइए, हमारे पास जो काउंटेबल की हाईएस्ट कार्डिनलिटी वो तो एल्प नोट है, एल्प नोट से कुछ भी बड़ा होगा तो वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा, और ये हमारे पास में एंड एल्प नोट की पावर एल्प नोट है, तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. ठीक है, ऐसे करके आज के लिए इतने रखते हैं. आपको स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ वगैरह गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, उसके बाद आप रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, आपको पीछे से शुरू से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी. कुछ भी डिस्कशन करना हो टेलीग्राम पर जाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, मोर कंटेंट लाएंगे. आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टाटा.